फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपना, अपनी फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम ग्रो करेंगे रजनीगंधा के बल्ब को। रजनीगंधा के बल्ब्स ऐसे होते हैं दिखने में और इनको बड़ी इजीली ग्रो किया जा सकता है। आप इनको बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ये इजीली आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, तो इनको हम ग्रो करते हैं। मैं सिर्फ दो ही बल्ब को ग्रो करूंगा। सिंपली आपको, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं इसको। बस इसको यहाँ रखना है और सोइल इसके चारों तरफ लगा देनी है। इसका मुंह यहाँ ऊपर से हल्का सा खुला रहना चाहिए, जिससे इसकी जर्मिनेशन जल्दी से स्टार्ट होगी। इसी तरह से हम सेकंड वाले बल्ब को लगा देते हैं। गर्मियों में आप रजनीगंधा के लगा सकते हैं, केला लिली के लगा सकते हैं, रेन लिली के लगा सकते हैं, और भी काफ़ी फ्लावर वाले जो प्लांट हैं उनके आप बल्ब लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ से ऊपर से हल्का सा इसको खुला छोड़ा है ताकि ये जल्दी से ग्रो हो सके। अगर हम इसको मिट्टी से फिल कर देंगे तो इसको थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ग्रो होने के लिए। अब हम इसमें पानी देते हैं। मेरे ख्याल से मिट्टी थोड़ी सी कम पड़ गई है, तो मैं यहाँ तक वापस इसमें मिट्टी फिल कर देता हूँ। हमने थोड़ी और मिट्टी ऐड कर दी है। जिससे ये इजीली ग्रो हो पाएंगे। तो देखते हैं ये कब तक बड़े होते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। 10 दिन बाद हमारे रजनीगंधा के बल्ब जर्मिनेट हो चुके हैं। ये देखिए, इसने 2 इंच लंबी अपनी लीव्स निकाल दी है और सेकंड वाले बल्ब ने भी अपनी 2 इंच लंबी लीव्स निकाल दी है और पास में ये छोटे छोटे शूट्स निकल रहे हैं। तो देखते हैं ये थोड़े और बड़े कब तक होते हैं। 16 दिन बाद हमारे रजनीगंधा के बल्ब अब काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं 16 दिनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है इसने। और इस वाले पॉट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये वाली लीफ इतनी लंबी हो चुकी है और साथ में पास में भी काफ़ी लीव्स निकल चुकी हैं। तो थोड़े और कब तक ये बड़े होते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। 20 दिन बाद हमारे रजनीगंधा के बल्ब अब ग्रो होके काफ़ी बड़े हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और इन 2 पॉट के अंदर मैंने बल्ब लगाए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने इन 2 पॉट्स के अंदर और बल्ब लगा दिए। इनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो समर में आप लगा सकते हैं रजनीगंधा को, जिससे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।